नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान को। और मैं विजय यादव फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के प्रकारों को समझा था, जिसमें से हमने तत्सम, तद्भव और देश शब्दों को समझा और उसकी परिभाषा को जाना। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे और बाकी के जो बचे हैं शब्दों के बारे में। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। तत्सम, तद्भव, देश शब्द पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विदेशज या विदेशी शब्द। तो पेन और कॉपी को हाथ में ले लीजिए और प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न है, विदेशज या विदेशी शब्द या आगत शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखिए, वे शब्द जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें हम विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर कुछ विदेशी शब्द जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं और हिंदी में उनके प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे अंग्रेजी, तो आप लोग कॉपी पर लिखते जाएं, स्कूल, फीस, डॉक्टर, पेन। अब है अरबी भाषा के शब्द, अदालत, वकील, इल्जाम, दलील, मुजरिम। फारसी भाषा के शब्द, जमीन, सब्जी, गुलाब, आदमी। अब है नेक्स्ट पुर्तगाली भाषा के शब्द, सावन, संतरा, चम्मच, आलू। तुर्की भाषा के शब्द, कैंची, पजामा, बंदूक, कुर्ता, चाकू आदि। तो ये सब क्या थे, विदेशी शब्द। क्योंकि ये विभिन्न देशों से जब हमारे भारत में आए, कहीं प्राचीन काल से, कहीं पुर्तगाल आए, कहीं डच आए, कहीं अरब देश से लोग आए, तो साथ में अपनी भाषा के शब्द भी लाए, बोलने लगे, तो उनका उपयोग हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा। तो इसलिए वो आए हैं, इसलिए इन विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। यदि प्रश्न ऐसा आए कि कौन सा आगत शब्द है या कोई चार आगत शब्द लिखिए, तुर्की के, फारसी के, अंग्रेजी के, तो आप लोगों को आगत हो चाहे विदेशी हो, चाहे विदेशी शब्द छपा हो, तो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखिए। अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो वे, उत्तर लिखिए, वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं से लेकर दो शब्दों द्वारा बने, मतलब विभिन्न भाषा कोई सी हो, चाहे वो संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, उर्दू है, या फिर आपकी तुर्की है या पुर्तगाली है, या फिर हिंदी भी हो सकते हैं। तो वे शब्द जो विभिन्न भाषाओं के दो दो शब्दों से मिलके बने हो, उदाहरण के तौर पे रेलगाड़ी। देखिए आप उदाहरण रेलगाड़ी देखेंगे तो ये शब्द लिखा है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में दो शब्द हैं, अपन इसको बीच में से तोड़ देते हैं। एक है रेल प्लस गाड़ी, हो गए ना, रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे रेलगाड़ी के उदाहरण से। तो देखा आपने रेल प्लस गाड़ी, तो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दो अलग अलग भाषा है, एक तो अंग्रेजी भाषा का और एक हिंदी भाषा का है, है ना। इसी तरह से जांच करता, जांच करता, जांच प्लस करता,
जांच करता होगा इस ऐसे टिकट घर, टिकट प्लस घर, टिकट अंग्रेजी भाषा, घर हिंदी भाषा का। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा का उदाहरण देख, वर्ष वर्ष गांठ, वर्ष जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और गांठ वो क्या हिंदी भाषा का शब्द है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे संकर शब्दों को। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब हम दो हैं तो दो भाषाओं के शब्द आ जाने चाहिए तोड़ने पर, बीच में ऐसे प्लस करके, तो आप उसे पहचान लेंगे। ये संकर शब्द का उदाहरण दिया गया है। तो ये थे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, कल की वीडियो में हमने पढ़ाया था। चलिए नंबर एक रूढ़ शब्द। तो प्रश्न लिखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखिए। देखिए रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनको खंडित करने पर या तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ये शब्द लिया क्यों गया रूढ़, देखिए अपन ने हिंदी में पढ़ा रूढ़िवादी या रूढ़िवादिता, वो वैसे रीति रिवाज रूढ़िवाद है जिनका कोई जिंदगी में मायने नहीं मिलते हैं, अपन कहते हैं रूढ़िवादिता, रूढ़ी सोच है। तो इस तरह से उन रूढ़ी सोचों का कोई अर्थ निकलता नहीं है आज के टाइम में, लेकिन क्या है कि फिर भी लोग करते आते हैं उन कामों को। ऐसी तरह रूढ़ शब्द जब इन्हें हम तोड़ देंगे बीच में से, तो इनका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द। उदाहरण उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, उदाहरण लें घोड़ा, घोड़ा घोड़ा। अब इसको दोस्तों तोड़ कर देखिए, तोड़ दिया बीच में से, एक निकल गया घो और प्लस ये आपको ध्यान देना, शुद्ध हिंदी है, हिंदी आना चाहिए नीचे। तो आपने देखा होगा कि घो प्लस, घो का क्या अर्थ है, कुछ है, आपने पूरी हिंदी संस्कृत में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना, घो रा का क्या अर्थ है, कुछ नहीं है, निरर्थक है, इसलिए इन्हें बोलते हैं रूढ़ शब्द। इस तरह दो शब्द जिन्हें हम बीच में से खंडित कर दें, तोड़ दें और उनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जब ऐसे उदाहरण परीक्षा में पूछे जाए तो आपको तोड़कर देखना है, यदि उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तोड़ने पर, तो समझ जाना कि ये रूढ़ शब्द के उदाहरण है। अब चलिए दूसरा प्रकार देखेंगे रचना के आधार पर, क्या है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपने प्रश्न लिख लिया होगा, अब उत्तर लिखिए। वे शब्द जिनके टुकड़े करके या जिनको खंडित किया जा सके और उनका अर्थ निकले, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे रसोई घर, गंगा जल, देशभक्ति। देखिए किस तरह से आप, हमने बोला रसोई घर, रसोई घर, अब इसकी परिभाषा क्या थी कि इसे खंडित कर दिया जाए, तो बीच में से तोड़ेंगे हम, तो जैसे हमने तोड़ दिया तो क्या निकला, दो शब्द निकले, एक तो रसोई प्लस घर। परिभाषा क्या है, जिन्हें तोड़ने पर या खंडित करने पर उनके अर्थ निकले दोनों के, इस साइड प्लस के, इस साइड वाले शब्द के भी और उस साइड वाले शब्द के। तो इसका आपने अर्थ रसोई जहाँ खाना बनता और वो घर जहाँ पर रसोई है जिसके अंदर, तो हुए ना दोनों अर्थ, निरर्थक नहीं हुए। तो रूढ़ शब्द के का विलोम है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है मिलना, दो शब्दों का मिलना और जो अर्थ बताए। इसी तरह गंगा जल, तो गंगा प्लस जल, गंगा का जो जल है तो उसका भी अर्थ है। इसी तरह देश भक्ति, देश भक्ति, देश प्लस भक्ति, तो देश की जो भक्ति होती है वो देशभक्ति कहलाती है, ये भी आपको पता है। तो इसी तरह के उदाहरण को आप देखेंगे तोड़कर
दोनों तरफ अर्थ निकले शब्दों का तो वो युग शब्द कहलाते हैं। अब है आपका अगला योग ऋण शब्द। तो आप प्रश्न लिखिए, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। तो उत्तर लिखिए, योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए पंकज, यशोदा, पीताम्बर, लंबोदर, चंद्रशेखर, ये शब्द है, ये विशिष्ट अर्थ बतलाते हैं। कैसे? देखिए, पंकज शब्द दीजिए उदाहरण के लिए, थोड़ा हम समझाते हैं आपको पंकज। अब इसे तोड़ के देख लें, पंक प्लस जा, तोड़ रहा है इसलिए हमने प्लस लगाया। तो ये कैसे सामान्य से विशिष्ट अर्थ बतलाता है वो बता रहा है। देखिए, पंक यानी होता है कीचड़। तो जा, आप लोगों को लग रहा होगा कि जा जो है ना वो व्यंजन है, ये तो कब जा अर्थ है। तो हमने पहले पढ़ाया था आपको शब्द एक या एक से अधिक शब्द वर्णों से मिलकर बने शब्द कहलाते हैं। ये तो हम पहले शब्द विचार में पढ़ चुके। एक शब्द भी हो सकता, सॉरी एक वर्ण भी हो सकता है और एक शब्द भी हो सकता है। तो जा का अर्थ होता है जन्म। संस्कृत में अगर आप जा शब्द लिख देते हैं तब भी समझ में आता है जन्म। जैसे ना लिख देते, ना का अर्थ क्या होता है? नहीं, नहीं लिख पाते, ना ना कर देते हैं जल्दी, मना में ना का उपयोग कर देते। ऐसे तो कीचड़ में जिसका जन्म होता है तो ये एक विशिष्ट अर्थ बता रहा है। कीचड़ में जिसका जन्म पंकज, यानी कि कमल का पर्यायवाची पंकज। जैसे आपने, हमने यशोदा पढ़ा, यश दा का अर्थ होता है देना, जो यश दे दूसरों को आनंदित करे उसे बोलते हैं यशोदा। तो यशोदा अभी क्या था, वो भी विशिष्ट अर्थ बता रहा है, तो योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह से पीतांबर, अंबर यानी वस्त्र पीला है, वस्त्र तो कितने कलर रंगों के होते हैं लेकिन एक विशिष्ट वस्त्र की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसे ही आपकी, और आप एक विशेष नोट लगा लीजिए, विशेष क्या है इधर। देखिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं, हम जब समास पढ़े हैं, आप लोगों ने समास पढ़े होंगे, तो बहुप्रिय समास जो होता है उसकी परिभाषा इससे मिलती जुलती है, वहां भी तीसरे की विशेषता बताई जाती है। तो सारे बहुप्रिय समास के उदाहरण ही योग रूढ़ शब्द के उदाहरण में आ जाएंगे जी। हमेशा याद रखिए, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो आपको समझ में आया होगा, ये थे व्याकरण के, सॉरी उस पर किसकी रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के आधार पर शब्द। तो व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों, एक है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो प्रश्न लिखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। उम्मीद है आपने प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर लिखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, परिभाषा बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, शब्द का नाम है विकारी। थोड़ी देर के लिए की मात्रा हटा दें, अब क्या बचा? विकार, विकार बचा। तो विकार का अर्थ पता है आपको क्या होता है? विकार माने कुछ उसमें अलग से उत्पन्न हो जाता है, त्रुटि आ जाती है कुछ, तो वही तो विकार होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि आई है, गलती आई हुई है, ठीक है, गलत हो गया वो, उसे बोलते हैं विकार। जैसे कि अब कैसे, ऋषि नाम पड़ा इसका विकारी शब्द, यानी कि एक वचन से हम बहुवचन में अगर बदल दें उन्हें तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द बोलते हैं। इस उदाहरण के लिए अब हम ना एक एक उदाहरण तो हम नहीं बोलेंगे शब्द, कैसे? सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इतने सारे शब्दों को हम विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे जितने सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा सर्वनाम, लड़का,
एक संज्ञा है तो बहुवचन में जहां मित्र मिल देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़को हो जाता है। तो बहुवचन बदल का तो बदलाव तो हुआ, तो पहले क्या वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर बहन बहनों हो जाएगा, ठीक है, महिला महिलाओं हो जाएगा, पुरुष पुरुषों हो जाएगा, हो जाता है ना। तो इस तरह से वचन में आए तो क्या होगा, बहुवचन बदले तो विकार उत्पन्न होगा शब्द में, इसलिए इसका नाम पड़ा विकारी शब्द। आप इसे दिमाग में इसे याद रखकर हम कितने शब्दों को विकारी शब्द बनाकर पहचान सकते हैं। दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। तो प्रश्न नोट कीजिए, विकारी शब्द अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपने प्रश्न लिख लिया होगा, अब उत्तर लिखिए। जिन शब्दों में लिंग वचन काल और क्रिया के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, बदलते नहीं है, उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। सिंपल सी बात, अविकार उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए तो इसके अंग अलग गया, जो ना बदले वो है अविकारी शब्द। अब इसके अंतर्गत कौन से शब्द है, तो इसके अंतर्गत आपको वे सारे शब्द लेना है जो संबंध वाचक हो और समुच्च वाचक हो, क्रिया विशेषण वाले हो और विस्मय बोधी वाचक शब्द हो। जैसे कि आपने देखा होगा किंतु, किंतु शब्द को पढ़ा होगा, अब आपने किंतु ही पढ़ा होगा, किंतु तो नहीं पढ़ा होगा बहुवचन में, जी कभी नहीं बदलते, और भी कभी नहीं बदलता, परंतु अरे वाह वाह हाय ये सारे जब हम विस्मय आदि वाचक क्या होता अरे ओ करके रह जाते हैं आश्चर्य में, तो ये शब्द कभी नहीं बदलते। तो ये जब बदलते नहीं है तो ऐसे शब्द ना किंतु ना परंतु जैसा जैसा तैसा ये सब शब्द नहीं बदलते, इसलिए शब्दों को किस में रखा गया, अविकारी शब्दों में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, और अब आ रही है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। तो होमवर्क में आपको कमेंट में लिखना है दो संकर शब्द, दो रूल शब्द, दो योगिक शब्द और दो योग रूल शब्द के उदाहरण आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।